जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहते हैं परिवार एक बच्चे की पहली कलीसिया होती है और ये परिवार माँ और पिता मिलकर बनाते हैं और इसी परिवार के तहत हम सब बड़े होकर उस महान ईश्वर की उपासना करते हैं जिन्हें हमें ये सुंदर संसार देखने को दिया है। लेकिन जब शुरुआत इस परिवार की होती है उसमें दो अनजान व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और कहा जाता है ईश्वर उन्हें मिलाता है ताकि वे एक नए परिवार की स्थापना करें। और जब ईश्वर किसी को मिलाता है उसकी एक प्रकार से सोच है, उनके लिए एक योजना है और उस योजना के तहत वे कार्य करना शुरू करते हैं। इसलिए जब एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ मिलकर विवाह के पावन संस्कार में बंधते हैं तो वे केवल सामाजिक रूप से नहीं बंध रहे बल्कि उन्हें दैविक रूप से जोड़ा गया है। ईश्वर उन्हें जोड़ता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वो परिवार आगे बढ़कर ईश्वर के महान कार्यों को देखे और उसकी प्रशंसा कर सके। तो इस पावन संस्कार को ईश्वर ने स्वयं स्थापित किया है और जो विवाह है, जैसा हम सब जानते हैं, एक सन्यासी जीवन बुलावा है, वैसे ही विवाह भी एक बुलावा है। और इसलिए जब भी हम इस विवाह संस्कार में बंधते हैं हम कसम लेते हैं कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए हम जिंदगी भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। यही विवाह संस्कार के दौरान स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ अपने शब्दों में करार करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो प्यार से बंधा हुआ है, जिसकी जो नींव है ईश्वर के प्रेम में टिकी हुई है। लेकिन इस प्रेम को हिलाने के लिए या तोड़ने के लिए कई बाहरी शक्तियां भी काम करती हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज के सुसमाचार में कहता है ईश्वर ने जिन्हें जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि आज के सुसमाचार में एक प्रश्न उठता है कि क्या एक स्त्री को तलाक दे देना चाहिए या परित्याग करना चाहिए। वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहनों, कैथोलिक धर्म में हम लोग इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन किसी कारणवश अगर कुछ नियमों के विरुद्ध चीजें होती है, जब कहा जाता है कि यह विवाह कभी हुआ ही नहीं, तो इसका दूसरा संदर्भ है। तो आज के सुसमाचार से हम केवल ये ही बात सीखते हैं कि जैसे एक स्त्री और पुरुष विवाह के पावन संस्कार में बनते हैं, उन्हें अपने विवाह की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको बार बार दोहराते रहना है। और बार बार कब दोहराएंगे? जब हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया है, जब हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम पैसों के बलबूते पर तो बड़े बड़े घर बना लेते हैं लेकिन परिवार बनाने में चूक जाते हैं। और यही कारण है कि आज कई सारे क्रिश्चियन परिवार टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे मनमुटाव से, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या या जलन से। और इतना ही नहीं, बाहर के लोग भी आकर आग लगाते हैं और इसके कारण कई सारे क्रिश्चियन परिवार भी टूट रहे हैं। तो ऐसे में क्या सचमुच में ईश्वर हमारे विवाह की नींव है? ईश्वर का प्रेम हमारे विवाह की नींव है? तो आज इस संस्कार को लेने वाले हर एक स्त्री और पुरुष या पति पत्नी एक दूसरे से पूछे, क्या सचमुच में मैं ईश्वर के प्रेम को नींव मानकर अपने परिवार को मजबूत बनाने में अपना योगदान देता हूँ? क्योंकि जब ईश्वर ने आप दोनों को इस संस्कार के लिए चुना है तो उसका एक योजना है, उसकी योजना है कि वह किस प्रकार से इस परिवार को आगे लेकर जाए। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ज़रूरत है कि हम घर के बदले परिवार बनाएं, परिवारों को ईश्वर के प्रेम में मजबूत करें। क्योंकि याद रखिए, परिवार में जीना एक जिम्मेदारी का जीवन है। क्योंकि तो जब दो व्यक्ति मिलकर एक विवाह संस्कार में बंधकर परिवार की शुरुआत करते हैं, वे एक जिम्मेदारी का अपने कंधे पर लिए हैं। क्योंकि जब उनसे उत्पन्न संतान होती है वह वही सीखती है
जो उनके माता पिता करते हैं। अगर हम बुराई करते हैं, बुरे बोल बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, शराब दारू पीते रहते हैं या कोई भी बुरी आदत और लतों में पड़े हुए हैं, तो इसका प्रभाव ज़रूर उनके बच्चों पर होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल कई सारे ऐसे माता पिता जो इन सब बुराइयों से दूर हैं, लेकिन फिर भी बाहर की चीज़ों से भी बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, परिवार ही एक ऐसी जगह है जहां हमें प्रेम का आभास होता है। हम खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये रिश्ता हमें किसी वक्त काम आता है। इसलिए हमारे परिवारों को ईश्वर के प्रेम में मजबूत बनाने का प्रयत्न करें और ये पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर गर्व इस बात के लिए करें कि ईश्वर ने हमें चुनकर एक परिवार बनाया है और हम एक दूसरे की कमियों को ढूंढने नहीं आए हैं, लेकिन उन कमियों को मिलकर हमारे एक मजबूत परिवार में बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।